वक्त था जब सलमान खान ने मात्र 11,000 की फीस लेकर पहली फिल्म में काम किया था, लेकिन आज वे सक्सेस के शिखर पर है और एक फिल्म के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की फीस चार्ज करते हैं। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान पिछले 33 सालों से एंटरटेन कर रहे हैं। इन 3 दशकों में सलमान ने अलग अलग किरदारों से फैंस के दिलों में जगह बनाई है। सलमान खान ने साल 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें रोल के लिए 11,000 रुपए फीस मिली थी। अब सलमान खान बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है और वे एक फिल्म के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की फीस चार्ज करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने 2016 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फीस ली थी। इसके बाद तो यह आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। अब वे अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 के लिए भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस ले रहे हैं। सलमान के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस की बात करें, जिसे वे पिछले कई सालों से होस्ट करते हैं, तो उसके एक एपिसोड के लिए भी वे करोड़ों चार्ज करते हैं। भाईजान की लाइफस्टाइल की बात करें तो वे करोड़ों की शानदार प्रॉपर्टीज के मालिक है। हर एक की कीमत करोड़ों में है। सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट 114 करोड़ रुपए का है। उनके पास पनवेल में एक फार्म हाउस भी है जिसकी कीमत 94 करोड़ रुपए है। चिंबई रोड पर एक और प्रॉपर्टी है जो 17 करोड़ रुपए की है। गोरई बीच पर 35 करोड़ रुपए का घर है, तो वहीं मुंबई और दुबई में उनकी 3 और प्रॉपर्टी है। सलमान खान के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास लग्जरी कारों का शानदार कलेक्शन है। उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज, ऑडी, लैंड क्रूजर और BMW जैसी कारें भी है। आपको बता दें कि सलमान खान एक्टर के साथ एक प्रोड्यूसर भी है। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम सलमान खान फिल्म्स है। सलमान खान बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सोशल वर्क से जुड़े हुए एक्टर भी कहलाते हैं। वे द बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के नाम से एक चैरिटी ट्रस्ट भी चलाते हैं। सलमान खान के बिजनेस की बात करें तो उनकी SK27 नाम की जिम फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा सलमान खान बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग ब्रांड के मालिक भी है। इसी के साथ वे कई स्टार्टअप में इन्वेस्टर भी है। सलमान खान से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।